हे हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? बहुत दिन बाद व्लॉग आ रहा है। घर से ही व्लॉग करने वाली हूँ आज मैं। पता नहीं बाहर कहीं जाने का सीन है नहीं है, मालूम नहीं, लेकिन सोचा आज ऐसे ही छोटा सा एक व्लॉग बनाया जाए। काफ़ी दिन हो गए हैं। नहीं, सुबह हो गई है। गिलास ला के दो पानी की। देखिए, आंवला बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए भी, हमारी स्किन के लिए भी। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मॉर्निंग में अगर हम लोग आंवला और ये सब पीते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देता है। तो मैं तो ट्राई करती हूँ मॉर्निंग में या तो ये ले लूँ, मतलब जो भी सामने दिख जाता है मैं वो ले लेती हूँ। और मैं पी लेती हूँ पहले मेरे ये गर्म पानी, जो कि एक मैजिकल ड्रिंक है। रणधीर जस गए हैं अभी ऑफिस, आ भी उठ गया है, अभी भेजूंगी उसको वॉक करने के लिए, वो भी जाएगा वॉक करने। उसको डॉक्टर बोली थी एक्चुअली रोज सुबह गर्म पानी पीने के लिए, और ये भूल जाता है हर बार। फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं अपने लिए निकालती हूँ गर्म पानी, तो मैं उसका भी एक गिलास निकाल के रख देती हूँ, आके पीता है। देखो मेरे स्नेक प्लांट बहुत सारे मैंने उगाए हैं, आपको दिख रहा है कितने सारे, पता है यहाँ पर भी है और अंदर बेडरूम में भी है। स्नेक प्लांट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पता है स्नेक प्लांट क्या करता है? स्नेक प्लांट हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसको क्लीन करता है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी देता है आपके घर में। अगर आपने घर में स्नेक प्लांट लगाया तो, मैंने तो खूब सारे, और मैंने खुद से उगाए हैं। सॉरी, पता है स्नेक प्लांट जो है ना, मैंने खुद से, मतलब मैं लेके आई थी मार्केट से दो, उसके बाद में मुझे पता चला कि भाई अगर इसके आप स्ट्रिंग्स जो है वो काट के किसी दूसरे पौधे में लगा देंगे ना, तो भी वो उग जाता है। और वाकई में ये हुआ। तो अब मेरे पास 5-6 स्नेक प्लांट हो गए हैं, मतलब बाकियों में तो मैंने खुद से ही उगाया है। गोभी के पराठे, ये मम्मी ने गोभी को आइसक्रीम ग्राइंड कर दी है ना, और मुझे ऐसा लग रहा था चावल है। और ये उसके पीछे होता है फ्लावर का। भैया बोल के गया मम्मा आलू गोभी बनाओ, मैंने बोला पराठे खाओ बेटा, आज सैटरडे है। ये बोल रही है इसको अगले हफ्ते आलू के पराठे चाहिए, आज ये गोभी के पराठे खा लेगी, अगले हफ्ते तक भूल जाएगी कि लास्ट हफ्ते मैंने, पिछले हफ्ते मैंने गोभी के पराठे खाए। ये मैंने वो लगाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये सुबह सुबह मुझे ना पॉपअप आ गया था, मैंने देखा तो इसलिए मैंने पेस्ट लगा लिया। मैंने अपने काफी सारे वीडियोज में बताया कि अगर आपको तुरंत पॉपअप को हटाना है तो आप उसके ऊपर कोई भी पेस्ट आप लगा सकते हैं। देखो भैया, ये क्या बना रही हूँ मैं, और ये ब्लर मैं ये क्या बना रही हूँ इतने सारे लेके। एक्चुअली मेरा एक स्कूल का प्रोजेक्ट है जिसमें हमें कल ही सबमिट करना है, पर उन्होंने सर्कुलर इतना लेट दिया कि टाइम ही नहीं है कि बाहर से जाके डेकोरेशन लेके आऊँ, तो घर में ही कुछ कुछ करके मैं बना दूंगी। ये आता है बाय पापा बाय क्या क्या दबंग दबंग कर अभी करो उड़ दबंग दबंग चल रहा था यहाँ पर। नाश्ता लेके बैठी हूँ, हस्बैंड चले गए ऑफिस। और हे गुड मॉर्निंग, सॉरी आज मैंने आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, नहीं मैंने आई थिंक मॉर्निंग में बोल दिया था, हाँ मैंने मॉर्निंग में बोला था आपको गुड मॉर्निंग, अभी तो गुड आफ्टरनून। चुप रह, अभी 10 भी नहीं बजे हैं, गुड आफ्टरनून हो गया इनका। आज थोड़ा सा लेट गए हैं हस्बैंड, एक्चुअली पहले चले गए थे फिर वापस आ गए, क्योंकि उनको घर पे कुछ काम था, तो फिर बोले कि नाश्ता करके जाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है। गोभी के पराठे बनाए बढ़िया वाले, खाए हैं, अभी चले गए ऑफिस। ये बुक्स आ गई हैं स्कूल की, तो फाइनली इसका शायद स्टडी अब स्टडी शुरू होगा तुम्हारा। यूनिफॉर्म पहले तुम्हारा आ जाए, स्कूल जब चालू हो जाएगा तब यूनिफॉर्म लेंगे। अभी कहाँ पर वो आपके बाथरूम अरे मैं फोन किया उनको तो उन्होंने भी बता रहे हैं आधा घंटा में करता हूँ, आधा घंटा में करता हूँ यार। ये कौन सा कह रहे थे कि यहाँ से लीकेज है, यही है क्या? लेकिन एक बात बताइए, ये जो लीकेज की आप बात कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं पूरी सोसाइटी में ना पेंट हुआ है, और लास्ट ईयर ही हुआ है अभी, ठीक
ठीक है, इधर से पूरा नहीं, ये तो मेरे यहाँ पे भी आता है, वो तो मेरे तो किचन में आता है, मतलब मेरा है ना, तो सुनाई भी देता है कि ऊपर से पानी गिर रहा है, और वो उतनी देर के लिए आता है, एक ही बार आता है दिन में, वो शायद कोई ऊपर से धोता है या क्या, वो मुझे नहीं पता। लेकिन इसकी अगर आप बात करें, क्योंकि ये तो मेरे अंदर ही हो गया, चलो इसकी अगर आप बात करें ना, तो ये आपका अब शुरू हुआ है, ये पहले अगर होता तो यहाँ का ही काम करके देते, पूरी बिल्डिंग का हुआ था ना, तो लीकेज की जहां जहां पे पूरी बिल्डिंग में हुआ था वहां पर सब घर से बात हुई थी, तो हमने, क्योंकि हमारे अंदर लीकेज है वो ऊपर वालों का है, तो अब मैं उसके साथ तो बहस ही नहीं करती, वो एक नंबर की बदतमीज लेडी है, मतलब वो उल्टा सीधा बोलती है बहुत, तो मैंने छोड़ दिया, मैं क्या अभी नंगे के साथ गंगा भी हैरान कहते हैं ना, मैंने छोड़ दिया। मेरे बाथरूम में ना ऊपर दीवार के ऊपर वो पूरा पैच है, लेकिन मैं नहीं बोलती उसको। लेकिन ये वाली जहां तक बात है, वो जो मिस्टर शुक्ला आए थे तो वो बोले कि आपके यहाँ से ये है, तो मेरे हस्बैंड बोले भी थे कि भाई साहब अगर वो बाहर का हमारे यहाँ से पहले से हो रहा होता ना, तो बिल्डिंग का जब काम हुआ था ना तब वो करके देते, पेंडिंग होता, मालूम नहीं होता ना, अभी ये जो है कि हमारा काम नहीं है। हुआ क्या ना, हमारी बिल्डिंग में लास्ट ईयर पूरी बिल्डिंग का बाहर से आउटर जितना भी पूरा होता है ना, सब पेंट वेंट और जितना भी टोड़ा फोड़ी रहा होगा बिल्डिंग में, वो सारा का सारा हुआ था, और उसके हम लोगों ने चार्जेस भी दिए, मतलब पूरी बिल्डिंग ने ही चार्जेस दिए थे उसके, आई थिंक 3,000 कुछ हर महीने लग के आता था, तो पूरी बिल्डिंग बाहर से पूरा रिपेयर, डेंटिंग पेंटिंग और सारा कुछ हुआ था। तो ये जो अभी आपने देखा, जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, ये इनका बाद में हुआ है, मतलब जब ये लोग कुछ कर रहे होंगे, तोड़ा ताड़ी कुछ किए होंगे, स्टार्ट किए होंगे, तो उससे वो लूज हुआ है वो मेरे यहीं से ही, लेकिन वो लूज हुआ है तो इनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। लेकिन तो भी हस्बैंड बोले कौन बहसा बहसी में पड़े, तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा लगेगा इनको दे देंगे, अपने आप कर लेंगे। क्या आपको मेरे स्किन छिल लिया है? नोनिया आटा निकाल के रख दिया मैंने, ओके, चाबी लिया गाड़ी का, दही दे दो, दही कैसे दिया, 1.5 किलो दही दे दो, और पनीर दे दो, पनीर, हाँ मलाई देना प्लीज, मलाई वाला अलग से देना ताकि वो मैं ऊपर से बिछा लूँ, और बाकी दही अलग से दो, मतलब 1 किलो नॉर्मल दे दो और बाकी ये मलाई वाला थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा दे दो। अपनी तरफ लस्सी बहुत गाढ़ी मिलती है, यहाँ पर उतना गाढ़ी लस्सी ना मिलता नहीं। हाँ ये अलग कर दो, 40 रुपए गिलास कौन दे, जो हाँ, तो लेकिन दिल्ली वगैरह कितनी अच्छी लस्सी मिलती है बिहार में, नहीं है पैसा देने वाले नहीं है ना, 20 रुपए देगा। मलाई वाला कौन सा, ये वाला है ना, वो वाला। लेकिन ये कितना, 1 किलो है, ये ज्यादा है, 700 ग्राम। अच्छा ऐसा हाफ हाफ कर दिया, ओके ठीक है। यार धूप बहुत ज्यादा है, सामान ले लिया है लस्सी के लिए, पनीर के लिए सामान हो गया है, अब जा रही हूँ घर, नोनी वेट कर रही है, पापा आने वाले हैं।
हाँ मैं दिखाती हूँ आपको, है हाँ कर दो। ये मैं आटा देके गई थी नोनी को गुथने के लिए, देखिए कितना बढ़िया आटा गुथी, एकदम बढ़िया लड़की, काम अच्छा किया देखो। नहीं ये तो इनका ही है, पापा बोले आज खूब सारी लस्सी बनी है, एक्चुअली उनका दिल कर गया, बोले खूब सारा लस्सी बनाओ, तो बस अभी आज नोनी ये कर रही है, मैं बना रही हूँ किचन में पनीर, तो पापा आने वाले हैं, तो टाइम हो चुका है। ये अच्छा हो गया नोनी, नहीं बदाने से ज़्यादा अच्छा होगा, चीनी पूरी मेल्ट होनी चाहिए, हाँ थोड़ा नीचे ही रखो उसको। हाँ अंदर आप लोग कुछ मूवी लगा रहे तो चले, आप पापा कुछ नहीं लगा रहे, हम तो खाली खाना खाएंगे अच्छे से बैठ के चारों लोग, चलो। अरे वाह क्या बना है भाई, पनीर है लस्सी है जो आप बोले थे आज करने के लिए, वही है। क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो अपनी टीचर के बारे में बता रहे हैं शायद ना, तो वो इतने हाथ इतने काम गए लिखने में, मस्त बना नहीं अच्छा है ना, लस्सी है पनीर की सब्जी है, टेस्टी टेस्टी। लो पकड़ो अपना अपना, चलो निकाल लो सब लोग, हमने खिलाने वाले भाई। तो मैंने कुछ कुछ भूल गया था। ओ भाई साहब, तो मैंने बोला आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं ऐसे किसी और बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।